मीशो पर चल रही थी सेल, तो मैंने भी ऑर्डर कर दिए ये प्यारे प्यारे वॉचेस। इतने सारे बॉक्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। प्रोडक्ट को तो मैंने पहले ही ओपन करके देख लिया था, क्योंकि पार्सल को देख के कंट्रोल ही नहीं होता है। तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लेकर आ गई हूँ मीशो से कुछ वॉचेस जो कि अंडर 200 रुपीज है। तो चलो पहले प्रोडक्ट को देखते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये वाली वॉच ब्यूटीफुल से ब्राउन शेड में है, जो कि सिर्फ मुझे 140 रुपीज में मिली है। इसका जो स्ट्रैप है वो लेदर में है, क्वालिटी की काफी अच्छी है। ये आपको वॉच के साथ साथ ब्रेसलेट वाला भी लुक दे रहा है, बट एक प्रॉब्लम है इसकी, जिसकी भी रिस्ट थोड़ी सी भी पतली है उसे ये काफी लूज होगी। बाकी ये मुझे अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ है। अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर लेना। कैमरे में इसका कलर थोड़ा हल्का आ रहा है, बट सामने से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इस पे पॉलिश की हुई है, और इसी की वजह से इस पे काफी अच्छी शाइन भी है। कुछ दिन बाद फिर से मीशो पर सेल चलने वाली है, तो शायद ये आपको और भी कम प्राइस में मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जिसकी पैकेजिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। ये वॉच बबल रैप भी नहीं थी, तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा थे, बट मुझे तो ये अच्छी कंडीशन में रिसीव हुए हैं। बट आप इसे ध्यान से ऑर्डर करना। ये वाली वॉच रोज गोल्ड कलर की है, जिसे मैंने 168 रुपीज में बाय किया है, क्योंकि उस टाइम सेल चल रही थी तो ये मुझे कम प्राइस में मिल गई। इसका कलर और डिजाइन तो काफी अच्छे हैं, लेकिन शायद कुछ टाइम यूज करने पर इसका कलर फेड होगा, क्योंकि ये सारी वॉचेस वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आप इसे डेली वेयर के लिए यूज करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा चलेगा, और अगर कभी कभार के लिए आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। वैसे इसे कैरी करने के बाद लग ही नहीं रहा था कि ये 160 रुपीज में मिला है, क्योंकि इसका लुक काफी प्रिटी है। तो चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। इस वाले प्रोडक्ट की पैकेजिंग पहले वाले से ज्यादा अच्छी थी, और ये वाली वॉच मुझे 176 रुपीज में मिली है। इस वॉच में आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बट सेम चीज इसमें भी है कि 2 से 3 बार यूज करने पर कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा। वैसे भी अगर कलर जाएगा भी तो वो पहले नीचे से फेड होना शुरू होगा, लेकिन क्वालिटी और इसके लुक की वजह से आप इसे बाय कर सकते हो। इसकी शाइन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि अभी इसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, लेकिन जब वो निकलेगी तो साइन और भी बढ़ जाएगी। अगला जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी है, और उतना ही अच्छी ये वॉच भी है। इसे मैंने 188 रुपीज में बाय किया है, और तो और इस वॉच के रिव्यूज भी मीशो पर काफी अच्छे हैं। इस वॉच में जो स्टोन लगे हुए हैं वो भी काफी अच्छे से फिक्स है। इसका जो डायल है ऊपर से गोल्डन कलर का है और अंदर से ब्लैक कलर का है। अगर आपकी रिस्ट पतली है तो आप इसे मत लेना, क्योंकि इसका डायल बड़ा है। मुझे भी ये काफी बड़ा हो रहा था, तो मैंने इसे रिटर्न में डाल दिया। इस वॉच में आपको व्हाइट कलर भी मिल जाएगा, तो दोनों में से जो भी पसंद हो आप बाय कर सकते हो। मीशो पे और भी काफी सुंदर सुंदर वॉचेस थे। अगर आपको और भी वॉचेस का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। ये वाली जो वॉच है उसमें तो कलर जाने का सवाल ही नहीं है, और तो और ये काफी यूनिक सा लुक दे रही है। बट ये वॉच मुझे लूज हो रही थी। ऐसी वॉचेस हल्की सी लूज हो तो अच्छी लगती है, बट अगर ज्यादा लूज होगी तो उसका लुक अच्छा नहीं आता। इस वॉच का प्राइस मुझे सिर्फ 150 रुपीज पड़ा है। इसमें आपको सिल्वर कलर ही मिलेगा, बट डायल के अंदर का जो कलर है वो चेंज होता है। इस वॉच का डायल आपको ब्लू कलर में भी मिल जाएगा, बट मुझे ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी वॉचेस दिखाई हैं उनके जो लॉक है वो बहुत ज्यादा टाइट है, तो ध्यान से आप ओपन करना, वरना मेरी तो लॉक खोलते टाइम उंगलियां दर्द होने लगी थी। चलते हैं अगले वॉच की तरफ। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। तो जैसे पहले वाली की पैकेजिंग थी, ठीक वैसे ही इसकी भी पैकेजिंग है। वॉच को काफी अच्छे से रैप किया गया है। ये वाली वॉच भले ही मुझे लूज आ रही है, बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इस वॉच में आपको 5 कलर और भी मिल जाएंगे, बट आप ब्लैक चूज करना, क्योंकि ब्लैक से जो लुक आ रहा था वो बाकी कलर से नहीं आने वाला। इसका प्राइस मुझे 196 रुपीज पड़ा है। सारे ही वॉचेस मैंने अंडर 200 रुपीज में ली है, तो सस्ते में आपको बहुत अच्छी अच्छी वॉचेस मिल जाएंगी। सो चलते हैं अगली वाली वॉच की तरफ। सबसे पहले तो इस वॉच का लुक काफी प्रिटी है, और ये मुझे 160 रुपीज में मिली है। इसमें आपको 4 कलर मिलेंगे। ये वाला रोज गोल्ड कलर का है। इसका डायल काफी बड़ा है, और सबसे खराब बात ये है कि इसका लॉक बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसे ओपन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वॉच का जो डायल है वो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, और ये भी मुझे थोड़ी सी लूज हो रही थी।
इन वॉचेस को मैंने ट्राई करके भी दिखाया है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये कितना लूज है और तो और इसका लुक कैसा है। तो चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये वाली वॉच मुझे सिर्फ 180 रुपीज में मिली है। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से ये कलर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे बाय कर लिया। इस वॉच में इसका जो डायल है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। इसके डायल की जो डिजाइन है वो बाकियों से अलग है, बट इसके डायल का साइज पहले वाले जैसा ही है, लेकिन ये कलर की वजह से मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे मैं छोटे डायल वाले ही वॉच पहनती हूँ, तो शायद इन सभी वॉचेस के डायल मुझे बड़े लग रहे हैं, लेकिन पहनने के बाद इसका लुक काफी अच्छा आ रहा था। इसकी शाइन भी काफी अच्छी थी। वॉच की शॉप पर इसकी चेन छोटी हो जाती है, तो आप अपने साइज के हिसाब से इसे सही करा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।